हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ खुशी और मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि फ्रेंड्स, अगर आप व्हाट्सएप पर कोई भी आपको मैसेज करते हैं और वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं फ्रेंड्स, सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें एंड शेयर करें। सो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको है व्हाट्सएप ओपन कर लेना है। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद आपको जिस भी चैट से आपको मैसेज डिलीट हो जाते हैं उसकी प्रोफाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पर सर्कल टाइप आइकन दिखाई देता है, इस पर क्लिक करना है और नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। नीचे की ओर स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर डिसअपीयरिंग मैसेज का ऑप्शन मिल जाता है फ्रेंड्स, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अगर ये ऑप्शन किसी के भी मोबाइल में अगर ऑन है फ्रेंड्स, सो अगर ये ऑप्शन ऑन है तो कोई भी अगर आपको मैसेज करेगा तो वो 7 डेज़ के अंदर अंदर वो मैसेज आपके डिलीट हो जाएंगे फ्रेंड्स। सो इसका और कोई सॉल्यूशन तो नहीं है, बट अगर आप किसी से चैट करते हो या फिर किसी से बात करते हो फ्रेंड्स आप, तो अगर आपके मैसेज ही डिलीट हो जाते हैं 7 डेज़ के अंदर, तो उनके मोबाइल में आपको उनसे बोल देना है कि ये वाली जो सेटिंग है, ये जो ऑफ़ अगर ऑन है तो इसे आपको ऑफ़ कर लेना है फ्रेंड्स, क्योंकि इससे ही है जो मैसेज डिलीट हो जाते हैं। सो इसलिए फ्रेंड्स, अगर बस इतना ही था इस वीडियो में बस, क्योंकि अगर जो जिसके भी मोबाइल में यह सेटिंग ऑन है तो उसे ऑफ़ कर लेना है, अगर आपके भी मोबाइल में यह सेटिंग ऑन है सो फ्रेंड ऑफ़ कर लेना है। इसी से ही है जो मैसेज है ऑटोमेटिकली है जो डिलीट हो जाते हैं 7 डेज़ के अंदर, इसमें बताया भी गया है फ्रेंड्स। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।